हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे। तो बस आज हो गया है, आज अभी टाइम हो रहा, देखिए आप 1 बज रहे हैं, 1 बज गए पूरे हैं। और आज हम लोगों को नहाने में भी लेट हो गया क्योंकि आज हमारा है फास्ट। आप देख सकते हैं आज हम लोगों का तीज का फास्ट है और इसमें बिल्कुल भी को निर्जला फास्ट होता है। मेरा और मम्मी दोनों का फास्ट है आज। तो आज है तीज, हरतालिका तीज, पूजा वगैरह शाम को होती है इसकी। तो आज काम बस धीरे धीरे हो रहा था क्योंकि पानी नहीं पियो तो बिल्कुल धीरे धीरे थे, मन भी नहीं करता काम करने का, बस ये है कि लेकिन करना तो होता ही है। तो फिर धीरे धीरे काम हो रहा था और नहाने की भी जल्दी नहीं थी ऐसी, क्योंकि जब नहा वहा लो तो ज़्यादा ही भूख लगने का रहता है। तो इस वजह से हमने कहा चलो ठीक है, आपको आँखों से लग सकता, देखे ऐसा लग रहा होगा क्योंकि सुबह से पानी वानी कुछ नहीं पियो तो अजीब सा हो जाता है फेस भी, फेस मतलब देखने ही पता चलता है यार कैसा लग रहा है। तो बस चलिए अब हम चलते हैं। और मैं भी कल परसों भी बोला था कि मूर्तियाँ कलर करनी, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। आज मैं करूँगी फाइनली मूर्तियाँ कलर अब बस। और उसके बाद क्योंकि काव्यांश सो रहा है तो फटाफट से पेंट कर लूँगी और फिर उनके कपड़े जो बनाने हैं वो भी बनाऊँगी। बस आज पूजा की तैयारियाँ करनी है, खाना पीना कुछ बनना नहीं है। तो बस खाना कुछ नहीं, किसी को तो खाना भी नहीं बनना है, बस यही है। तो चलिए हम चलते, जैसे जैसे होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। और शाम की जैसे ही पूजा होगी वैसे आपके साथ शेयर करेंगे जो कुछ मतलब शूट कर पाऊँगी आपके साथ। और देखिए कल मैंने मेहंदी लगाई थी रात में गाइस, ये देखिए आप देख सकते हैं, मतलब बस नॉर्मली लग गई है, बहुत ही सिंपल सी लगा ली थी बस, कि बस हाथ कलर होने चाहिए अच्छे लगते हैं, वो सिंपल सी लगा ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं लगाई थी मैंने। और एक हाथ में अभी नहीं लगी, लेकिन एक हाथ प्लेन है, एक हाथ में लग गई है, एक हाथ में देखते हैं आज लग पाएगी थोड़ा भी, क्योंकि एक हाथ में नहीं लगा सकते ना खुद, इस वजह से मम्मी ने भी बस थोड़ी सी लगवाई थी एक हाथ में, उनको नींद आ रही थी इस वजह से उन्होंने ज़्यादा लगवाई नहीं। तो निष्ठी ने थोड़ी सी लगवाई थी, फिर रात में मैंने लगाई थी, रात में 1 बज गया था मुझे मेहंदी लगाते लगाते, उसके बाद फिर जाके सो पाई थी मैं। तो चलिए हम चलते, ज़्यादा बातें ना करके फटाफट से अपना काम करते, पेंट करते मूर्तियाँ। मैं आ गई अभी मूर्तियाँ लेके, देखिए कितने अच्छे से सूख गई हैं, अब इन पर हम करेंगे कलर। तो बस वही अब मैं तैयारी कर रही हूँ कलर करने की। निष्ठी तो 2 दिन से पीछे पड़ी थी कि मम्मी कलर करो, मम्मी कलर करो। तो बस आज जाके टाइम फाइनली आ पाया है कलर करने का। मैं फटाफट से कलर करती हूँ और मोबाइल को लगाती हूँ ट्राईपॉड में। तो यहाँ पे देखिए मैं कलर करने के लिए आ गई हूँ, बस कलर करूँगी फटाफट से मूर्तियों पर। देखिए कितने अच्छे से सूख गई हैं मूर्तियाँ हमारी। और मैं कब से आपसे बोल रही हूँ कलर करना है, कलर करना है, लेकिन आज फाइनली कजरी तीज वाले दिन ही मैं कलर कर रही हूँ। और आज है फास्ट, वैसे चलो दोपहर में कलर कर लेते हैं क्योंकि कलर सूखने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, चलो आज ही मतलब टाइम निकल आया है कि आज ही कलर कर लो क्योंकि अब तो करना ही है। तो बस यही होता है जब काम को टालते रहो तो टलता ही चला जाता है, होता ही है, मेरे साथ तो बहुत होता है, आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता है कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे वो काम टलता ही रहता है। तो ये देखिए हमारे गणेश जी कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं, देख रहे हैं आप कितने अच्छे कलर भी हो गया है। अगर आपको अच्छे लगे गणेश जी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए किस किस को अच्छे लगे मेरी ये मूर्ति गणेश जी की। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी और मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। निष्ठी भी कहती मम्मा गणेश जी तो बिल्कुल असली वाले लग रहे हैं। मुझे खुद ही नहीं विश्वास हो रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और इतनी अच्छे से बन गई है, मुझे खुद भी नहीं बिलीव हो रहा था देखने के बाद मतलब। और ये देखिए शाम का टाइम है, हम लोग तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए और हमारी पूजा की भी तैयारी हो गई है पूरी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे भगवान जी बिठा दिए हैं अपने, जो हमने बनाए थे मिट्टी के भगवान जी मैंने बनाए थे वो भी बिठा दिए हैं। और केले के पत्ते से मतलब डेकोरेट कर दिया, पीछे केले के पत्ता ज़रूर लगाते हैं जब हम तीज की पूजा करते हैं। तो बस वो भी, और ये देखिए इनके गण बैठे हुए हैं जो 4-5 आपको दिख रहे छोटे छोटे से कलरफुल, तो ये इनके शंकर जी के गण बैठे हुए हैं। चलो हाँ भैया मुझे निकाल लो, सुबह मिट्टी कहाँ रखी तुमने? डिब्बे लंबे वाले डिब्बे में गुजिया ये डिब्बा रखा है जो उसमें हाँ बस।
मैंने आज पहन ली है साड़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये थोड़ा सा नई साड़ी तैयार करी थी तीज के लिए, तो वही पहन लिया आज है। और ये देखिए काव्यांश पास में ही खड़े हुए हैं, देख रहे आप, ये बिल्कुल साथ में ही खड़े हुए, बस डर लगता है कोई सामान गिरा ना दे, पटक ना दे, बार बार इनको जो है रोकना पड़ता है, साथ में ही खड़ा हो। माचिस देख के तो इतनी तेज़ भागते हैं, देखिए माचिस में जला रही हूँ, इसको माचिस चाहिए, बस उसी के पीछे जो चिल्लाएगा, देख उसी के पीछे चिल्ला रहा है कि माचिस मेरे हाथ में दे दो। अब देख रहे हैं यहीं पर चढ़ा जा रहा है वो है। निष्ठी बैठी हुई पास में देख रही पूजा कैसे कर रही है नानी और मम्मी, तो वो भी बैठी हुई हैं। तो बस हम लोगों की पूजा चल रही है। पूजा करने में बहुत टाइम नहीं लगता, पूजा की तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है, पूजा तो फटाफट से हो जाती है क्योंकि कथा वगैरह तो हम जाके वहीं सुनेंगे, तो इसलिए पूजा करने में टाइम नहीं लगता है। और हमारे यहाँ पूजा वगैरह होता है तो मम्मी उधर मतलब मैं के साइड में हमारे पापड़ी वगैरह बनती, मीठी पापड़ी और नमकीन पापड़ी बनती है, और यहाँ पे मतलब हमारे साइड में ससुराल साइड में मठरी बनती है और गुजिया बनती है, तो उस चीज़ का पूजा मतलब मैं उस चीज़ का करूँगी और जो मम्मी उस चीज़ का करेंगी पूजा पापड़ी वगैरह का, वही हम लोग चढ़ाएंगे। तो बस अलग अलग ही बनाया है हम लोगों ने, इसलिए क्योंकि जहाँ जो होता है वैसे ही बनाना पड़ता है। तो ये देखिए केला भी काव्यांश केला पकड़ लिया हाथ में, उसे खाता जा रहा है, थोड़ा बहुत खाएगा थोड़ा फेंक देगा, उसका यही चलता रहता है, लेकिन खड़ा साथ में ही है। तो अभी निष्ठी तो तैयार हो गई है, हम लोग जाएंगे मंदिर तो काव्यांश को तभी तैयार कर लेंगे, काव्यांश अभी तैयार नहीं हुआ है और ये देखिए अब नहीं खा रहा, फेंक देगा। बस अब किस इसीलिए अच्छा लग रहा है मुझे तीज पे क्योंकि मम्मी यहाँ पे हैं, हर बार मैं अकेले ही रहती हूँ क्योंकि पूजा वगैरह जब कुछ होती है फेस्टिवल तो ऐसा लगता है कि कोई साथ में बड़ा एक हो, मतलब कोई भी होना चाहिए। तो बस इसीलिए अब के तो वही मम्मी से बोल रही थी कि जो अब के अच्छा लग रहा है तैयारी करने में, पूजा की तैयारी करने में और पूजा करने में, मतलब अच्छा सा लगता है घर में, सन्नाटा सा नहीं लगता जब कोई बड़ा रहता है। तो ये अब किस हैं तो मम्मी इसलिए अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और ये देखिए निष्ठी अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, निष्ठी ने भी चूड़ियाँ पहन ली और हम लोगों को देख के उसने नेल पेंट भी लगवा लिया है, तो ये सब दिखा रही है वो आपको। हम लोगों को देख के उसको भी शौक चढ़। तो यहाँ पे देखिए बस निष्ठी अपना जंपिंग में बिजी है। एक्चुअली हम जहाँ मंदिर गए थे ना वहाँ पे मिक्की माउस और ये जंपिंग के लिए बच्चों का बहुत ही अच्छा था, बच्चे अपना इसमें टाइम पास कर रहे थे और मम्मी वगैरह पूजा कर रही थी, कथा सुन रही थी, तो वही हम लोगों के साथ भी हुआ। निष्ठी देखिए इसमें बिजी हो गई आराम से, काव्य को भी खड़ा कर दिया था मिक्की माउस पे, तो आगे की साइड ना काव्य पकड़ के बस जंपिंग कर रहा था, अभी ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा वो, और निष्ठी ऊपर चढ़ के जंपिंग कर रही थी और ये आगे की साइड जो है अपना जंपिंग कर रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन तो बच्चों का टाइम अच्छा पास हो गया। और ये है नेक्स्ट डे तीज के दूसरे दिन, जिस दिन हमने गणेश जी को मतलब रखा था, गणेश चतुर्थी का दिन है ये। और ये देखिए निष्ठी और इनके पापा मम्मी सब लोग, सब हम सब मतलब नहा चुके हैं सब लोग हैं क्योंकि हमें गणेश जी को स्थापित करना था, तो और गणेश जी हम ले आए थे कल ही, तो बस उसी दिन का ये शूट किया था मैंने, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा बहुत किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। और ये फ्लावर वगैरह ले आए थे ये लोग जाके, बहुत अच्छे फ्लावर मतलब मिल गए थे, बहुत सारे फ्लावर, तो बस वही डेकोरेट कर रही निष्ठी फ्लावर से, बाकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन लाइट वगैरह से हम लोगों ने कर दी थी, कलर से स्थापित कर दिया। तो बस गणेश जी हमारे आ गए हैं और सही बात है, मतलब गणेश जी अब घर पे रहते हैं जितने दिन भी रहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब है दोनों टाइम उनकी आरती करो प्रसाद लगाओ बहुत अच्छा लगता है। जब विसर्जन के लिए हम जाते हैं, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, निष्ठी कही थी मम्मा बहुत सन्नाटा सा लग रहा है जब गणेश जी चले गए, बहुत घर में सन्नाटा सा लग रहा है, ऐसा लगता है जब तक रहते तो बड़ा अच्छा लगता है, पता ही चलता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस ने गणेश जी स्थापित करे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।